हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Jerusalem as Israel's capital city. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और इस्लाम मुखालिफ ट्रंप कार्ड, ग्रेटर इसराइल मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बढ़ा दिया एक और कदम, मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया, अमरीकी सफारत खाने को मुंतकिल करने के मुसव्वदे पर भी दस्तखत कर दिए। ट्रंप के इकदाम से आलमी अमन खतरे में पड़ गया। अमरीकी सदर के ऐलान पर फलस्तीनी अवाम सड़कों पर निकल आए, निहत्ते मुजाहिरीन का हाथों में पत्थर थाम कर अमरीका और इसराइल को मुकाबले का पैगाम। अमरीकी फैसले ने जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया। हुर्रियत पसंद तंजीम हम्मास का तहरीक इंतफादा शुरू करने का ऐलान। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने फैसले को दो रियासती हल के लिए तबाहकुन करार दे दिया। अमरीका अपना फैसला फौरी वापस ले, पाकिस्तान का अमरीकी क़यादत को दो टोक पैगाम, अमरीकी इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ है। कौमी असेंबली में भी अवामी नुमाइंदे अहम मसले पर यक जुबान, ट्रंप के फैसले के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर, अमरीका और इसराइल के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। अमरीकी सदर के फैसले पर आलमे इस्लाम समेत दुनिया भर में तशवीश, सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, लबनान और मिस्र समेत मुस्लिम दुनिया के तमाम मुमालिक ने फैसला मुस्तरद कर दिया। रूस, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की भी अमरीकी इकदाम की मुखालिफत, अक्वामे मुत्तहिदा भी मामले पर तशवीश का शिकार, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सिफारत खानों के सामने एहतजाज। में दरगाह की जियारत के लिए जाने वालों पर कयामत टूट पड़ी, कश्ती उलटने से 21 जिंदगियां समंदर की मौजों की नजर हो गईं, डूबने वाले 60 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, कश्ती में 180 मुसाफिर सवार थे, हादसा गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिर बिठाने पर पेश आया, वजीर आला सिंध की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म, ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट भी मांग ली। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह के इस्तीफे पर डट गए। अवामी तहरीक की कोर कमेटी ने भी सरबराह के फैसले पर मोहर सख्त कर दी। इस्तीफे न आने की सूरत में धरना होगा या तहरीक चलेगी। अवामी तहरीक का अगला इलाहा अमल अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर तय करने का फैसला। ताहिरुल कादरी सड़कों पर आए तो इनके साथ चलेंगे। इमरान खान ने फिर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। कहते हैं मॉडल टाउन सानहे के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह हैं। दोनों को फौरी मुस्ताफी होना चाहिए। परेड ग्राउंड जलसे में जरदारी के रक्स पर भी तबसरा किया। वैसे आसिफ जरदारी का जो बाकी तो मुझे वो उसका जलसे का पता नहीं क्या बातें हुई हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने वो डांस किया है ना, मैं समझता हूं कि उनको ऐसी और परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ताहिरुल कादरी के कंटेनर पर चढ़ने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में ताहिरुल कादरी से मुलाकात। आसिफ जरदारी कहते हैं सानहे के किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान सैर सपाटा करने आते हैं। ताहिरुल कादरी साहब के लिए मैं कहूँगा ये डुबकी बजाने वाले लोग हैं। कौन है? डुबकी बजाने वाले लोग हैं।
हमजा शहबाज ने ताहिर अल कादरी को डुगडगी बजाने वाला करार दे दिया। कहा, ये लोग मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलाने आते हैं, ये कनाडा में रहते हैं, इनकी जायदादें और कारोबार भी सब वही हैं। कादरी साहब ने धरने के दौरान इदारों के मुतालिक क्या कहा, सबको याद है। कप्तान का स्टेमिना दूसरी पेशी पर ही जवाब दे गया। पीटीवी हमला और एसएसपी तशद्दुद केस में दोबारा तलबी पर इमरान खान अपने वकील बाबर आवान पर बरस पड़े। हर कोई नवाज शरीफ नहीं होता। नवाज शरीफ शेर की तरह इंतकाम के नाम पर एहतसाब का सामना कर रहे हैं। पेशी से मुतालिक कप्तान के बयान पर मरियम नवाज का जवाबी वार। भारतीय फौज की हैवानियत ने जनाजे को भी नहीं छोड़ा। एलओसी पर वाके अब्बासपुर सेक्टर में जनाजे पर फायरिंग कर दी, दो नमाजी शहीद। इलाके में भारतीय फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। साइबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। बारूद बनाने वाली फैक्ट्री और कई खुफिया ठिकाने पकड़े गए। लाहौर में सीटीडी के एक्शन में दो मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। एक साल गुजर गया, सानेहा हवेलियां का गम आज भी ताजा। शहदा के लवाहिकीन अब तक प्यारों की जुदाई की वजह जान नहीं सके। तैयारे में पीआईए के अमले समेत 47 मुसाफिर सवार थे। पहली बरसी पर जाए हादसा पर तकरीब। कराची के एक्सपो सेंटर में इल्म का खजाना। 13वें आलमी कुतुब मेले में दुनिया भर के नामवर शोहरा, अदीब और मुसन्निफों की किताबें मौजूद। पहले रोज ही शहरी और तलबा इल्म के मोती चुनने खिंचे चले आए। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। ठंडा ठार हवाओं से मौसम मजीद सर्द हो गया। इस्लामाबाद, कोयटा, कल्लात और दीगर शहरों में पारा मनफी हो गया।